जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। ये पहले मयूरी बार के नाम से जाना जाता था और रिसेंट में इसका नाम जो है रिजेंसी रखा गया था। ये होटल बनके तैयार हो गया था और इसके बाद कंटिन्यू लगातार जो है खबरें आ रही थी कि ये बार जो है अवैध है, अवैध निर्माण है और शायद इसी वजह से मनपा के अधिकारियों ने आज इस बार पे तोड़क कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस बार को जब तोड़क कार्रवाई इस पे हो रही थी तो ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र के मुताबिक हमें पता चला है कि नोटिस भी नहीं दिया गया था। नोटिस तो छोड़ो, जब बार तोड़ने के लिए आए यहाँ पे तो उनको थोड़ा भी वक्त नहीं दिया गया कि अगर उनके अंदर कुछ सामान है तो वो निकाल ले जिससे उनका कुछ नुकसान ना हो। ऐसा भी हमें यहाँ पे आने के बाद जब हमने लोगों से बात की तो पता चला कि आए और ताबड़तोड़ जो है तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ये देख सकते हैं आप कि ये फ्रिज है, इसको बचाया जा सकता था। इसी तरह से कांच के कुछ बोटल्स इनके थे, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल थे, ये सारे चीज उसको भी बचाया जा सकता था, लेकिन उसका भी मौका नहीं दिया गया और ये तोड़ दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई चीज अवैध है तो आप उसको बनने ही मत दो, और अगर बन जाता है पूरी तरह से तैयार हो जाता है फिर आप आकर के उसको तोड़ते हो तो वो समझ से परे है। हालांकि मुझे ये भी यहाँ पे जानकारी मिली कि इसके बारे में परमिशन लिया गया था, लेकर के बनाया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि इतना बड़ा बार दो चार दिन में तो बना नहीं होगा, इसको 4-6 महीना लगे होंगे बनने के लिए। तो जब बनता रहता है उसी वक्त अगर आप इसको रोक दे तो जिसका जो बना करके तैयार हो जाता है उसका नुकसान तो कम से कम ना हो, चाहे वो बार हो, होटल हो या कुछ भी हो, बना है, अवैध निर्माण हो, चाहे घर ही हो कि नहीं क्यों नहीं हो, अगर वो बन रहा है उसी वक्त रोक दे तो शायद आने वाले दिनों में वो उस नुकसान से बच जाए। तो दोस्तों फाइनली मयूरी बार का जो विवाद था, जो चल रहा था, वो रिजेंसी में तब्दील हुआ और रिजेंसी बार को आज कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।